और बाद में उसका सर काट कर अपनी टेबल पे सजा दिया। 50-60 साल पीछे चले जाए तब तक वो लोग एग्जिस्ट करते थे और इस टावर के पास आके अपनी रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे। यहाँ पे इसका वो कैरेक्टर शुरू होता है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये बड़ा यूनिक था और बल्कि मेरे नज़दीक तो मशकूक था। और उर्दू पे इसको इतना उबूर हासिल हुआ कि इसके बारे में कहा जाता है। इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम भी मेरे ख्याल में अलेक्जेंडर था शायद, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भर्ती हुआ। इसने उसको मार मार के जान से मार दिया था। दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं जाहिद खान और ये है मेरा चैनल ट्रैवल टेल्स। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है जनाब एक इस्लामाबाद से कुछ फासले पे जीटी रोड जो पेशावर जाता है वहाँ पे एक लोकेटेड है टावर, एक टावर लोकेटेड है जिसका नाम है जॉन निकल्सन टावर। और ये तकरीबन इसको तामीर हुए हुए 155 साल हो चुके हैं और ये एक इंग्लिश जनरल था जॉन निकल्सन, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन, उसकी याद में या जो भी कह लें इसको उसकी याद में एक मोनूमेंट बनाया गया। एक इसे जॉन निकल्सन ओब्लिस्क भी कहते हैं और जॉन निकल्सन मोनूमेंट भी कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी हैं और ये टावर, तो इसके पीछे एक बहुत ही यूनिक सी हिस्ट्री है। तो ये ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन ये कौन था और इतना जालिम और सफाक शख्स सब कॉन्टिनेंट में इसने क्या मतलब फौजियाना काम के अलावा क्या क्या काम किए और कैसे ये जालिम और सफाक इंसान मुसलमानों सिखों और हिंदुओं के लिए एक देवता की हैसियत इख्तियार कर गया, तो इस सब पे बात होगी। यहाँ पे आ रहा है मारगला, न्यू मारगला रोड का एंड, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी जीटी रोड पे और यहीं से हमें फिर टर्न लेना है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। न्यू मेन मारगला रोड है, उससे उतर के जब आप ग्रैंड ट्रंक रोड पे आते हैं ना तो जो जॉन निकल्सन टावर है जो आज की मेरी डेस्टिनेशन है वो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर रह जाता है, रोड के बिल्कुल कॉर्नर पर है। एंड वी आर वेरी क्लोज टू द डेस्टिनेशन। बस ये जो सामने मेरे ख्याल में दर्रे आ रहे हैं ना, क्योंकि वो एक दर्रे के साथ ही है, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा जॉन निकल्सन टावर, हार्डली किलोमीटर के फासले पर रह गया। मारगला जो हिल्स हैं इसी में ये लोकेटेड है और उसकी चोटी कह लें उसके ऊपर ये बना हुआ है। रत्ता शाह एक चौक है जहाँ जिसका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उसके बिल्कुल सामने है ये जॉन निकल्सन टावर, वो सामने चौक का नाम लिखा हुआ है और इस तरफ जो है ना टावर है और उसका रूट भी नज़र आ। ये रास्ता है वो जो ओल्ड जीटी रोड है वो भी नज़र आ रही है, शेर शाह सूरी की दौर वाली। अच्छा चलें जी, अंकल ने इशारा कर दिया, कहते रास्ता है जाओ यहाँ से, तो ये ओल्ड शेर शाह सूरी रोड है जो उसने बनाई थी, इस पे चलते हैं। ओए होए So I am riding on the most historic road ever in my life. लो जी तकरीबन 500 साल पुरानी रोड पे हमने बाइक राइड कर ली। यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं क्योंकि वो सामने ही नज़र आ रहा है ऊपर जॉन निकल्सन टावर। ओके जी, हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। एंट्रेंस तो मैंने आपको दिखाई कि यहाँ से एंटर कैसे होना है, जहाँ से एंटर हुए थे जो पुरानी जर्नैली रोड है ना शेरशाह सूरी ने जो बनवाई थी 500 साल पहले की, वही रोड उसके वो अभी तक है।
तो उससे आप एंट्रेंस लेते हैं, बाइक पार्क करिए वहाँ पे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए हैं, देख रहे हैं कि यार ये कहाँ तक आई है। अब यहाँ आगे आबादी आ रही है, मस्जिदें बनी हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, कवरेज देते हैं इस रोड को, थोड़ा सा कवर करते हैं इस रोड को कि क्या हालात हैं आगे। ये आगे आबादी है, नहीं जाते तो इस तरफ है टावर, ये है सामने, ठीक है अगर आपको नज़र आ रहा है। और ये वो जरनैली रोड, ये उस दौर का बना हुआ, लैंडस्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए ये दीवार बनाई गई है, और ये रोड, ये सारा कुछ। और ये अभी तक इतना स्ट्रांगली ये अभी भी इसकी बिल्ड है कि मुझे नहीं लगता कि ये अगले कुछ मज़ीद सदियां इसको कुछ होने वाला है। लेकिन सिचुएशन ये है कि अभी जब हम आ रहे थे न्यू मार्गला रोड, जिसको बने हुए तकरीबन अभी हो गए होंगे 4 साल 3 साल, उसकी ना दोबारा रिपेयरमेंट भी शुरू हो गई है, दोबारा रिपेयर हो रही थी। तो आज की इंजीनियरिंग और उस दौर की इंजीनियरिंग की का ये डिफरेंस है जी भाई। वो मेन जीटी रोड जा रहा है न्यू, जो अब बना पेशावर की तरफ। ये हमारी बाइक्स पार्क हैं, और यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती हैं टावर की तरफ। सो लेट्स गो। जब तक हम ऊपर टावर तक पहुंचते हैं, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दूं कि जॉन निकल्सन था कौन। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन, जो 1822 में पैदा हुआ था आयरलैंड में, आयरलैंड का सिटी है डबलिन। और इसके फादर का नाम था अलेक्जेंडर निकल्सन, और वालदा का नाम था, जो इसकी मदर थी, क्लारा हॉग। और ये फैमिली माइग्रेट करके गई थी स्कॉटलैंड से आयरलैंड। और इसकी तालीम जो थी वो सिर्फ मैट्रिक थी, 10वीं पढ़ी थी इसने, और उसके बाद इसने जॉब कर ली थी। और इसका एक मामू था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉयर था, बाद में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बन गया था, उसने इसकी ये जॉब करवाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। ही वॉज़ जस्ट 16 जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती थी उस दौर में, लेकिन ये बाद में इतनी पावरफुल हो गई कि इस कंपनी की अपनी आर्मी थी, और अपना ट्रेन सिस्टम था इनका, अपना पोस्टल सिस्टम था। तो जो जॉन निकल्सन था, इसके जो मामू थे, वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे। उसने इसकी जॉब करवाई ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इसको उसकी आर्मी में मतलब भर्ती करवाया। और इसकी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो हुई थी बंगाल में। This is John Nicholson Tower. थोड़ी सी इसकी जियोग्राफी ज़रा समझ लें। इस तरफ इस्लामाबाद है, ये मेन जीटी रोड आ रहा है, ये न्यू सेक्टर डेवलप हो रहा है B17। उसके बाद ये रोड आगे जाती है इस तरफ के मार्गला हिल्स हैं सामने, और आगे ये रोड यहाँ से जाते हुए पेशावर जाती है वो सामने। एंड दिस इज़ निकल्सन टावर। टावर बहुत ही हाइट पे है, एक ऊंची जगह मार्गला हिल्स की ऊंची चोटी है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। और इसके बारे में कहते हैं कि पहले यहाँ पे एक चौकी हुआ करती थी, जब सिख राज था उस वक्त यहाँ एक चौकी हुआ करती थी, जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था सिख आर्मी का। तो उसको इसने कंकर किया था जॉन निकल्सन ने, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन ने। यहाँ का जो लोकल लीडर था करम खान खट्टर, उसकी सपोर्ट से, उसकी आर्मी की सपोर्ट से उसने इसको आर्मी दी थी, और इसको अपने घोड़ सवार वगैरह सब दिए थे, बड़ी सपोर्ट दी थी। उसके बाद इस ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन ने इस चौकी पे, जहां आज जॉन निकल्सन टावर है, इस चौकी पे अटैक करके, और ख़ुद भी उस जंग में बाकायदा उसने मतलब अटैक में हिस्सा लिया था, और मैन टू मैन जो फाइट थी उसमें वो शामिल था। तो इस चौकी को उसने कंकर किया था।
थोड़ा सा मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का इंट्रोडक्शन करा दूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो रजिस्टर्ड थी। और जब ये मतलब इनका टोटल काम क्या था कि सब कॉन्टिनेंट आने का कि यार बिकॉज दिस प्लेस वॉज सो रिच इन रिसोर्सेज, तो उस वक्त यूरोप में इतने कोई अच्छे हालात नहीं थे फाइनेंशियली इकोनॉमिकली, यूरोप काफ़ी वीक था। तो ये मुख्तलिफ जगह ढूंढ रहे थे ये सारे मुल्क। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पोर्चुगीज़ थे वो साउथ अमेरिका तक गए, ब्राज़ील अर्जेंटीना पेरू इन इलाकों को उन्होंने उनके आर्मी ने लूटा और वहाँ से सारे रिसोर्स लेकर यहाँ आए। और ये जो ब्रिटिश थे ये सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए और पोर्चुगीज़ भी आए थे। तो इसी तरह ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो रिसोर्सेज की तलाश में इधर आई और ये बड़ा एक रिच फाइनेंशियली रिच था, एक मतलब काफ़ी हर लिहाज से इसमें रिसोर्सेज के लिहाज से सब कॉन्टिनेंट एक बहुत ही फॉर्चुनेट एरिया था। तो इस एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम शुरू किया और तब यूरोप के तकरीबन हर जवान का ख्वाब होता था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करे। और उसी सिलसिले में फिर इसने जॉन निकल्सन, इसका मामू था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करता, उसकी इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए इसने 16 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया। और इसकी पहली जो पोस्टिंग हुई वो बंगाल में हुई और वहीं से इसका सारा कुछ जो एक मिलिट्री कैरियर है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन इसका मिलिट्री कैरियर एक आम मिलिट्री कैरियर नहीं था, इसकी प्रोफेशनलिज्म और टैलेंट का इस बात से अंदाज़ा करें कि यार सिर्फ ये 34 साल दुनिया में रहा, जिंदा रहा, तो उस 34 साल में ये ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पे पहुंचा। तो कुछ तो स्किल्स और ऐसे प्रोफेशनल लेवल का ये बंदा था, कुछ स्किल्स तो इसमें थी कि जिसकी वजह से इतनी कम एज में ये उस लेवल तक चला गया। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, ये एक शफाक आदमी था। और जो अगर आप इंग्लिश ऑथर्स को भी पढ़े ना, वो भी इसको एक शफाक आदमी ही कहते हैं, एक शफाक सोल्जर कहते हैं। तो शफाक इसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसकी शफाकी के किस्से बहुत फेमस थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने एक दफ़ा एक मतलब जब इसकी पोस्टिंग मेरे ख्याल में पिंडी में थी, तब इसने एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि ये मार्च करते हुए आ रहे थे और वो रस्ते में आ गया था और इसने उसको मार मार के जान से मार दिया था। तो जिस तरह मैं इसके सफाकी के किस्से बता रहा था, उसमें कुछ किस्से ऐसे हैं कि जैसे जब ये आई थिंक बनू में पोस्टेड था, तो इसको बताया गया कि इसके खाने में जहर मिलाया गया है। तो इसने कंपनी के जो इसके गैरिजन थी उसके सारे कुक्स को बुला के उनको इसने फांसी लगवा दी, सब के सब को। उसके अलावा एक दिन कोई इमाम मस्जिद था जिसने इसको जो इनका कस्टमरी सलाम था वो करने से इनकार कर दिया था जब ये गुजर रहा था वहाँ से। तो इसने उसको पकड़ के अरेस्ट करवा के उसकी जो बेड थी वो शेव करवा दी थी, उसकी दाढ़ी उतरवा दी थी। और जब ये पिंडी में पोस्टेड था तो एक रेबल था लोकल, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था और ऑब्वियसली ख़िलाफ़ होना भी चाहिए यार, ये उनको अनलॉफुली रूल कर रहे थे। तो उसको इसने किस तरीके से पकड़ के उसका सर काट के ना अपने टेबल पे रख दिया था ताकि यहाँ पे इसका रोप कायम रहे। और इसकी दिलेरी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उस लोकल रेबल को पकड़ने के लिए ये उसके इलाके में गया अकेला, कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि अकेला उसके इलाके में गया और उसको पुकारा, वो इसके मुकाबले पे आया और इसने उसको मार दिया और बाद में उसका सर काट कर अपने टेबल पर सजा दिया ताकि लोग उसे इससे डरें। एक और वाक्य में एक और भी वाक्य मिलता है कि एक दफ़ा इसने किसी शख्स को मारा और बाद में पता चला कि वो इनोसेंट था, तो इसने क्या किया कि उसकी बॉडी लेके उसके सर को उसे वापस जोड़ दिया। मतलब ही वॉज़ दैट मच साइकोपैथ और शफाक आदमी। लेकिन आई डोंट नो कैसे इसने यहाँ के लोकल्स को इस तरह ट्रैप किया कि वो लोग इसको सूफ़ी वली अवतार और पता नहीं क्या क्या मानने लगे। इसने अपनी लाइफ में तीन जंगें लड़ी, जो इसकी फर्स्ट वॉर थी वो थी एंग्लो अफगान वॉर, जिसमें ये इसने एज़ यूजुअल जितने भी ये पावरफुल आर्मी बनती थी वो पता नहीं क्यों जाके अफगानिस्तान पे इन्वेड कर दिया करती थी। तो जब उन्होंने सब कॉन्टिनेंट बारल टेक ओवर कर लिया इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस वक्त जब ये इधर आया सब कॉन्टिनेंट, उस वक्त यहाँ पर सिख बहुत उरूज पे थे, ठीक है। ये 1857 से पहले की बात है।
तो जब ये इसकी पहली वॉर के लिए इसको अफगानिस्तान भेजा गया, वहाँ इसको बहुत बुरी शिकस्त हुई। इसको अरेस्ट कर लिया गया, 6 माह ये उनकी कैद में रहा। और लेकिन किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता। जब इनको अफगानों ने पकड़ा और ये था, कुछ अफसर थे इसके साथ, तो इसने तो पहले रिफ्यूज़ किया सरेंडर करने से, लेकिन फिर हुआ क्या कि इसके अपने ऑफिसर्स के कहने पे इसने मान लिया कि सरेंडर किया, इसको धर लिया गया, अरेस्ट किया गया। और अफगानों ने इसके सामने इसकी जो पूरी आर्मी थी उसके सर कलम कर दिए इसके सामने। तो वहाँ से इसके जहन में दो बातें आईं, एक अफगानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, एक बात तो ये समझी जा सकती है, और दूसरा इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत। दूसरा इसके साथ जो एक वाकया हुआ वो ये हुआ कि इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम भी मेरे ख्याल में अलेक्जेंडर था शायद, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भर्ती हुआ, तो उसकी भी पोस्टिंग यहाँ हुई। और जब ये कैप्चर हुआ, जब ये पकड़ा गया था अफगानिस्तान में, तो और जब इसको छोड़ा गया तो इसके भाई को इत्तला दी गई, तो वो इसको लेने गया अपनी आर्मी के साथ, लेकिन रास्ते में किसी और जगह पर अफगान आर्मी ने या वहाँ के कबाइलियों ने उनके साथ जंग की और वो सारे मारे गए, इसके भाई और उसके फौजी सारे मारे गए। और इसके भाई की जो बॉडी थी उसको बुरी तरह कुचल दिया गया। फिर जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने अपने भाई की लाश को पहचाना, और उसके बाद इसके जहन में ये बात और पक्की हो गई और नफ़रत और पक्की हो गई इस्लाम और इस एरिया के ख़िलाफ़ और मतलब अफगानों के ख़िलाफ़। अफगानिस्तान से वापसी के बाद इसको जो मौजूदा इंडिया वहाँ के एक शहर मुरादाबाद में इसको पोस्ट किया गया। और इस दौरान इसने ये अंदाज़ा लगाया, बिकॉज़ ये एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन था, क्रिश्चियनिटी से इसको बड़ा लगाव था और उसको प्रीच करना चाहता था, तो इसने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि यार यहाँ पर ना, बिकॉज़ एक लैंग्वेज बैरियर है, एक लैंग्वेज ऐसी है कि ये लोग अंग्रेज़ी को समझते नहीं हैं, तो क्यों ना इनको समझाने के लिए यहाँ की लैंग्वेज सीखी जाए। तो इसने मुरादाबाद में रह के या इन एरियाज़ में रह के ना उर्दू सीखी, और उर्दू पे इसको इतना उबूर हासिल हुआ कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये जब बात करता था तो पहचाना नहीं जाता था कि ये कोई गोरा जो है ना उर्दू यहाँ की लोकल लैंग्वेज बोल रहा है। यहाँ पे इसका वो कैरेक्टर शुरू होता है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये बड़ा यूनिक था, और बल्कि मेरे नज़दीक तो ये मशकूक था। एक और भी इस तरह का बंदा गुजरा है, अगर इसकी हिस्ट्री उसकी और इसकी हिस्ट्री दोनों को पढ़ें तो आपको ये एक तरह के लोग लगेंगे, लॉरेंस ऑफ अरेबिया उस तरह का। क्योंकि 1857 में इनको बहुत बड़ी जंग का 1857 से पहले का वाक़ है, लेकिन यह है कि उस वक्त गोरों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो चुकी थी और प्लान चल रहे थे कि इनको कैसे सब कॉन्टिनेंट से निकाला जाए। तो इसका बड़ा ही वाइटल रोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने में अगेंस्ट द म्यूटिनी या गदर या जंग आज़ादी में। तो इसने उस दौरान यहाँ पे जब उर्दू सीख ली तो अपनी क्रिश्चियनिटी का इसने शुरू किया, प्रीच करना शुरू किया। और कुछ अरसे में इसने यहाँ पे, मतलब जब इसके फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी इसको असाइन किया गया, यहाँ डेजिग्नेट किया गया, तो इसने यहाँ पे एक तरह से रॉबिन हुड वाला काम शुरू कर दिया। रॉबिन हुड क्या करता था कि अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटा करता था। तो आई थिंक इसने सिर्फ यहाँ पे अब क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए और एक अच्छा नाम बनाने के लिए इसने क्या शुरू किया कि यहाँ पे जितने ऐसे लोग थे जो मतलब लोकल गरीबों में बदनाम होते थे, तो या यहाँ की जो आम पब्लिक थी जो जुल्म का शिकार थी या किसी भी किस्म की इन्फ्लुएंस का शिकार थी, उन लोगों को ये अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए, क्योंकि इसके पास आर्मी थी और ये यहाँ रूलर थे, उसके ज़रिए उनको काबू करके या किस तरीके से उनको डीथ्रोन करके या मार के तो गरीब लोगों का साथ देता था। तो स्लोली क्या हुआ, यहाँ के जो, क्योंकि उस वक्त सिख मुसलमान और हिंदू ये इकट्ठे रहा करते थे, तो उन लोगों ने इसको अपना एक मसीहा मानना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि यार ये तो हमें हर चीज़ से बचा रहा है, तो ये तो हमारा मसीहा हो गया।
तो इसको एक नाम मिला, जिस एक एक खताब, एक खिताब टाइप की चीज़ मिली, जैसे जैसे कि इसको कहा जाने लगा निकल सेन, मतलब निकल सेंट कहा जाने लगा। हिंदू इसको अवतार मानने लगे, सिख भी इसको अपना रूहानी पेशवा मानने लगे, और मुसलमान भी इसको अपना कोई सूफ़ी या कोई इस तरह का उनका बिलीव हो गया कि ये, और ये बिलीव इतना ज़्यादा हो गया कि तकरीबन एक बहुत बड़ी तादाद में ना लोग इसके फॉलोअर डेवलप हो गए, एक पूरी कल्ट डेवलप हो गई, इसकी फॉलोइंग डेवलप हो गई। और ये उस लिहाज से यहाँ पर इतना स्ट्रांग हो गया कि जब फिर इसको कहीं से भी अगर लोकल हेल्प चाहिए होती थी तो लोग जी जान से इसकी मदद के लिए आया करते थे। इसने तीन जंगें लड़ी थी, जैसे कि मैंने बताया, एक अफगानियों के साथ हो गई, दो इसकी सिखों के साथ हुई थी। तो आखिरी जंग में इसने सिखों को शिकस्त दी थी और सिखों का राज यहाँ पे ख़त्म हो गया था उस वक्त। उसके बाद तो यहाँ के लोकल एडवाइस को हेल्प किया करते थे। और जब ये वही अपनी प्रीचिंग्स कर रहा था, जब इसको निकल सेन का लकब मिल गया, तो इसने एक फ़िरका डिवेलप किया यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़िरका आज नहीं है, बट कहते हैं कि आज से 50-60 साल पीछे चले जाए तब तक वो लोग एग्जिस्ट करते थे और इस टावर के पास आके अपनी रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे। और आपको एक रिकॉर्ड ऐसा और भी मिलेगा कि यहाँ पे इनका जो आखिरी इसका जो वो था फॉलोअर था, वो एबटाबाद का रिहायशी था और उसकी डेथ 2004 में हुई। ये कितना बड़ा जनरल या ऑफिसर था, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आपने मंटगोमरी, जनरल मंटगोमरी, जिसके नाम पे साहिवाल का शहर था, पहले इसको साहिवाल को मंटगोमरी कहा जाता था, तो अब उसका फिर आफ्टर पार्टीशन उसका नाम साहिवाल कर दिया गया। और एबटाबाद जो आज भी है, ये जनरल एबट के नाम पे है। और एक और ऑफिसर था जिनकी हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़े कारनामे हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल वो जनरल थे, उनका कंपेनियन था ये। उनके पाए के इसको जो है ना एक सोल्जर माना जाता था, जस्ट इन द एज ऑफ 34। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि ये टावर जो है, जो मॉन्यूमेंट है, ये उसकी याद में बनाया गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जब उसकी यहाँ पोस्टिंग थी तभी बना दिया गया था, जॉन निकल्सन टावर, तभी ये बिल्ड कर दिया गया था। या यहाँ पे एक टावर नहीं भी था तो कुछ ना कुछ यादगार ज़रूर थी, लेकिन यहाँ चौकी तो लाजमन थी। और उस चौकी के ज़रिए जीटी रोड के काफलों पे, उसकी सिक्योरिटी पे, अपनी फ़ौज पे, दुश्मन की नकलो हरकत पे नज़र रखने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती थी, कोई ना कोई बिल्डिंग ज़रूर होती थी। '1857 की जंग आज़ादी के दौरान ही इसको गोली लगी थी और फिर छः दिन बाद इसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद इसकी कब्र आज भी दिल्ली में है। और इसके जो आखिरी अल्फाज थे, जो इसने वसीयत की थी, वो इसने कहा था कि हयात खान का ख्याल किया जाए, जो करम खान खट्टर था, उसका मेरे ख्याल में बेटा या पोता था, जिसने इनको यहाँ पर लोकली बड़ी हेल्प करी थी, वो उसका ख्याल किया जाए। और बाद में उसको जो ब्रिटिश राज था, उसने उसके पूरे ख़ानदान को नवाजा भी, जैसा कि वो नवाजा करते थे। और दूसरा ये कि जो इसके फॉलोअर्स थे, उन्होंने बाद में ये मॉन्यूमेंट बनाया इसकी याद में, और यहाँ के इसकी अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, और जर्द रंग के इनके कपड़े हुआ करते थे। तो और इसकी वसीयत में से एक और बात ये थी, जो आखिरी बात थी वो ये थी कि मेरी माँ को मेरी मौत की खबर ना दी जाए। सो दिस वॉज ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन। तो भाइयों, ये तो थी आज की वीडियो अबाउट जॉन निकल्सन मोनूमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।